नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। थ्री इडियट्स में फरहान के किरदार से सबको अपने सपनों के लिए हिम्मत करने की सीख देने वाले आर माधवन बिहारी हैं। जी हां, आपने सही सुना। रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर भारत में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि जब माधवन का जन्म हुआ था तब विभाजन नहीं हुआ था और यह हिस्सा झारखंड का बिहार में था, इसीलिए आर माधवन बिहारी भी कहलाते हैं। उनके पिता रंगनाथन टाटा स्टील में एक प्रबंधन कार्यकारी थे और उनकी माँ सरोजा बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थी। उनकी छोटी बहन देविका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने बिहार में एक तमिल भाषी परिवारिश की थी। माधवन ने अपनी स्कूली शिक्षा DBMS इंग्लिश स्कूल जमशेदपुर से ही पूरी की थी। 1988 में माधवन ने राजाराम कॉलेज कोल्हापुर के एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की और रोटरी इंटरनेशनल के साथ एक विनियम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्टेलर अल्बर्टा कैनेडा में एक साल बिताया। उन्होंने कोल्हापुर लौटकर और इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc के साथ स्नातक की शिक्षा पूरी की। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान माधवन सैन्य प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और 22 साल की उम्र में उन्हें महाराष्ट्र के प्रमुख NCC कैडेट के रूप में पहचाना गया, जिसने उन्हें 7 अन्य लोगों के साथ NCC कैडेट के रूप में इंग्लैंड में यात्रा करने की अनुमति मिली थी। इस अवसर के परिणाम स्वरूप उन्होंने ब्रिटिश सेना, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स के साथ प्रशिक्षण भी शुरू किया था और इसे प्राप्त भी किया, जहां उन्होंने एक बिंदु पर शामिल होने पर विचार किया। हालांकि वो छह महीने की उम्र में कटौती करने से चूक गए और बाद में कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। स्थान पर हारने के बाद उन्होंने कोल्हापुर में सार्वजनिक बोलने और व्यक्तित्व विकास कौशल पर पाठ्यक्रम पढ़ना शुरू किया और शिक्षण के माध्यम से उन्हें जो संतुष्टि मिली उसने उन्हें बॉम्बे के किशनचंद चेलाराम कॉलेज में सार्वजनिक बोलने में स्नातकोत्तर करने के लिए प्रेरित किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने 1992 में जापान के टोक्यो में युवा व्यवसायी सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए भारतीय चैंपियनशिप और उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व किया। रंगनाथन माधवन एक भारतीय अभिनेता, लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता है, जो मुख्य रूप से तमिल और हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं। माधवन ने 4 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीते हैं। उन्हें भारत के उन कुछ अभिनेताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है जो 7 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में दिखाई दे चुके हैं। आपको बता दें, साल 2000 में माधवन ने तमिल सिनेमा में मणि रत्नम की सफल रोमांस फिल्म अलाई पुथे के जरिए पहचान हासिल की थी, जिसके बाद 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक उल्लेखनीय भूमिका में भी नजर आए थे। गौतम मेनन के निर्देशन में बनी फिल्म मीनल और मद्रास टॉकीज के दमदम में उन्होंने कन्नथल मुथिमित्तल यानी कि रण अम्बे शिवम और आयुष एजुजो नामक फिल्म में और अधिक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता हासिल की। इसके साथ ही माधवन के फिल्मी करियर को उड़ान राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती, मणिरत्नम के बायोपिक गुरु और राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स में सहायक भूमिकाओं के बाद मिली, जो समय रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई। माधवन के करियर ने एक नई उड़ान शुरू कर दी, जिसके आगे सफलताओं के द्वार खुल चुके थे। तनु वेड्स मनु और वेट्टाई जैसी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस में धमाल कर दिया, जिसके बाद माधवन के लिए बॉलीवुड में अपने सभी रास्ते खोल दिए थे। लेकिन इसी बीच माधवन ने अभिनय से ब्रेक ले लिया। 2015 में 3 साल के विश्राम के बाद उनकी वापसी रोमांटिक कॉमेडी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के साथ हुई। इसके साथ ही द्विभाषी खेल नाटक इरुधी सूत्रु और अपराध विक्रम बेथा जैसी फिल्मों में आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा हासिल की उन्होंने, जिसके बाद माधवन को इरुधी सूत्रु में एक शानदार बॉक्सिंग कोच के रूप में उनके प्रदर्शन से उन्हें फिल्मफेयर, आईफा और SIIMA पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। अभिनय के अलावा माधवन को लेखन का भी बड़ा शौक है। यही कारण है कि उन्होंने अपने अभिनय करियर के अलावा अपनी फिल्मों में एक लेखक के रूप में भी काम किया है। इतना ही नहीं, माधवन विशेष रूप से जानवरों के संरक्षण के बारे में मुखर हैं और 2011 में पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर मान्यता से सम्मानित भी किए गए थे। 2021 में उन्हें कला और सिनेमा में उनके योगदान के लिए DY पाटिल एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आर माधवन का कोई किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।